हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे उपवास के आलू वड़े। आप इसे जनरली भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं नवरात्रि व्रत के लिए इसे बना रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये ऑफ कोर्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं उपवास के आलू वड़े। तो यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज के आलू और एक छोटे में से आधा आलू लिया है। उसे मैंने बॉयल कर लिया है और उसकी स्किन मैंने निकाल दी है। उसके बाद यहाँ पे हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और ये आलू हम हल्के हाथों से मैश कर लेंगे। इसे हम ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा ही मैश कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च की पेस्ट। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च की पेस्ट थोड़ी सी कम रखिएगा। उसके बाद ये भुने हुए जीरे का पाउडर। भुने हुए जीरे का स्वाद अच्छा आता है, इसलिए आप भून कर ही लीजिए। उसके बाद ये आधे नींबू का रस निचोड़ देंगे और साथ ही में बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे। अगर आप धनिया पत्ता उपवास में नहीं खाते हो तो स्किप करिए। स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे और यहाँ पे आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो इसे और फ्लेवरफुल बनाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी है। तो अब इसके हमें बनाने हैं बॉल्स। अगर आपको लगता है कि ये मिक्सचर थोड़ा सा स्टिकी बन गया है तो आप पहले हाथों को ऑयल लगाइए और फिर बॉल्स करिए। तो बॉल्स को आप गोल, चपटे और किसी भी साइज में इसे बना सकते हो। तो इस तरह से हम सारे बड़े बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बड़े फ्राई करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले हमें एक बैटर बनाना है। तो बैटर के लिए हम यूज़ करेंगे आधी कटोरी सिंघाड़े का आटा और ये पाव कटोरी लेंगे बड़ी का आटा, यानी कि सामा के चावल को मैंने मिक्सर में पीस लिया है। उसके बाद ये स्वादानुसार नमक और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आप व्रत के लिए रेगुलर नमक यूज़ करते हो तो वो ऐड कीजिए, नहीं तो सेंधा नमक ऐड कीजिए। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमें इसका बैटर बनाना है। तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। तो अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा नहीं है तो आप राजगिरा आटा भी ले सकते हो। तो बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए जिस तरह से हम बेसन का बैटर बनाते हैं, मतलब वड़े इसमें अच्छे से कोट होने चाहिए। तो अब चलते हैं वड़ों को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे हम तेल को पहले चेक कर लेते हैं। हमें पहले तेल को अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है। तो अब ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम एक बॉल लेंगे और उसे इस बैटर में डिप करेंगे और अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद हम इसे केयरफुली ऑयल में छोड़ देंगे और वड़े छोड़ने के बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। तो वड़े एक साथ ज़्यादा ऐड मत करिए, नहीं तो वो आपस में चिपक जाएंगे और फ्राई करने में भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और इस तरह से हम वड़े के ऊपर कलछी से हल्के से ऑयल डाल देंगे ताकि ये जल्दी जल्दी फ्राई हो। तो इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। तो ये बाकी के वड़े भी जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। तो इसमें हमने जो वड़ी का आटा डाला है उसकी वजह से ये बाहर से क्रिस्पी बन जाते हैं। और स्टफिंग बनाते वक्त जो आप उपवास के लिए खाते हो वो भी ऐड कीजिए, यानी कि आप इसमें मूंगफली, कड़ी पत्ता और अदरक भी ऐड कर सकते हो। तो अब ये सारे वड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं और इसे मैंने फ्रेश नारियल की चटनी और फ्राई की हुई मिर्च के साथ सर्व किया है। इसे आप मूंगफली की चटनी या फिर सिर्फ दही के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस नवरात्रि इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।